दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और असफल होने का एक ही रास्ता है कि मन से हार मान लीजिए। जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारे सूत्र भी हैं। उन सूत्रों में यदि हम एक भी सूत्र को धारण कर लेते हैं तो हमारी जीत पक्की है। इसी तरह एक सूत्र है, जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दीजिए। जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दीजिए। इसी पर आज की कहानी आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की एक कहानी है कि महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है, अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीद बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने ही वाला है। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत ही अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी ही तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दिया। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सारे रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई विकल्प ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई विकल्प ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है, जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाएं।